ठीक है, ये क्लीन करने के बाद में इस तरह से बैंड बांध लेंगे। ये किसी के बालों वालों पे ब्लीच या ये डिटेन वगैरह लगे ना, ठीक है, ये भी बांध सकते हैं, या जैसे मैंने ये दूसरा वाला दिखाया था ये वाला बैंड, कोई भी बांध सकते हैं बैंड। कानों वानों में कुछ भी है तो उसको निकाल लेंगे, मैं तो अभी पहने रहने देती हूँ क्योंकि कानों पे तो इतना कुछ है नहीं मेरा ऐसा। ठीक है, तो ये लिया हमने। कान हाँ जी, पे भी लगाते हैं ना, हाँ, कान पे भी हल्का हल्का लगा सकते हैं। कान पे लगाने का मतलब ये नहीं कि कस्टमर के कान के अंदर घुसा रहे हैं सारा, इधर ये कर दिया उधर कर दिया सारा। हाँ, थोड़ा थोड़ा करके लगा सकते हैं, यहाँ नीचे नीचे इधर इधर करके, ठीक है, ध्यान से आराम से करके। गर्दन पे भी लगा सकते हैं, जैसे हम ब्लीच करते हैं ना, सेम वैसे डिटेन पैक को भी गर्दन पे भी लगा सकते हैं। इसके चार्जेस हम अलग अलग कर सकते हैं, खाली अगर हमें फेस पे डिटेन कराना है तो 150 से 180 रुपये है, खाली फेस फेस का डिटेन कराना है तो 180 रुपये। अगर ये गर्दन पे यहाँ पे आगे भी लगवाना है तो 220 रुपये हो जाएगा, 30-40 रुपये बढ़ जाएगा उसका, तो 40 रुपये गर्दन का। पीछे भी कराना है तो पीछे का 50 रुपये है, 50 रुपये और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कस्टमर के हिसाब से है कि जिसको जितना कराना है उस हिसाब से वो करा सकते हैं। इसमें से निकाल लेंगे, हमेशा ये जो है ना, किसी स्पून जो है या तो उस लकड़ी का हो या फिर किसका हो बताओ। हाँ, वेरी गुड, प्लास्टिक का। इतना जो है मेरे फेस के लिए बहुत है, कस्टमर के हम थोड़ी सी ज्यादा ले लेंगे, मैं अपने लिए थोड़ा कम ही ले रही हूँ। मैंने ज्यादा नहीं लिया था, जो स्पून है ना उसमें आधे स्पून ली थी और थोड़ा सा रोज वाटर मिलाया था, तो मुंह पे और गर्दन पे दोनों पे लग। हाँ, उससे क्वांटिटी और ज्यादा। हम पीछे लगाए ना तो उसमें भी हमें थोड़ा सा वो स्क्रब लगा के फिर मसाज करना है क्या? हाँ, वो और अच्छा रहेगा, आपका काम और अच्छा होगा, है ना। जब D10 अगर हमने पीछे लगा दिया, पहले D10 को 10-15 मिनट लगे रहने देंगे ताकि D10 अपना काम कर ले। जब हम उसको उतारने लगेंगे उस टाइम पे स्क्रब की मसाज भी कर देंगे तो बैक जो है बहुत अच्छा चमक जाएगा, हमारा काम हमारा और अच्छा होगा। ठीक है, इस तरह से लिया और बहुत थोड़ा सा करेंगे क्योंकि गर्मियों का टाइम है ना, ऑलरेडी क्रीमी है ये, तो बहुत कम रोज वाटर मिक्स करेंगे। अगर हमने ज्यादा पतला कर दिया ना तो हमारे चेहरे पे टिकेगा नहीं ये, तो बस इतना स्मूथ करना है कि आराम से टिक जाए। इस यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है इसको आंखों के इधर उधर लगाने की, जैसे हमने ब्लीच जब किया था तो ब्लीच तो हमने यहाँ से शुरुआत करी थी ना, लेकिन इसमें D10 पैक बहुत सेफ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी ब्लीच पहली बार करा रहा है तो D10 पैक, यही डिफरेंस है D10 पैक में और ब्लीच में। ठीक है, ब्लीच में हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ये ऊपर के हमारे बालों पे ना लग जाए, हमारी आईब्रोज पे ना लग जाए, हमारे आंखों से बचाते हुए रखना है। D10 पैक सेफ है, D10 पैक कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत इस पे भी लग जाएगा, आईब्रोज पे भी, तो एटलीस्ट हमारी आईब्रोज को ब्राउन नहीं करेगा। बालों पे लग जाएगा कोई दिक्कत नहीं, हमारी आई उसको ब्राउन नहीं करेगा, पूरी टैनिंग जो है ना वो रिमूव कर देता है ये। अगर पिंपल्स वगैरह है पिंपल्स से बचा के करेंगे हम D10 पैक को भी, ठीक है, D10 ये जैसे ना हल्का सा बचा लेंगे इसके ऐसे। D10 सिर्फ ना यहाँ पे अगर हमारे डार्क काले रंग के बाल है ना उसको ब्राउन नहीं करेगा, बस ये डिफरेंस है। ब्लीच 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 जो है, हमारे यहाँ बाल ये ना तो ब्राउन नहीं होंगे। हाँ, ये देखो मैंने कितना थोड़ा सा लिया था, उससे पूरे मेरे चेहरे पे कितना सही हो गया है ना। उसके बाद अभी भी मेरे पास ब्रश में थोड़ा सा बचा हुआ है, ब्रश में या थोड़ा सा कटोरी में, तो मैं आगे भी हल्का हल्का सा कर लूंगी। मैं जब भी हम इसमें से सामान निकालेंगे हमेशा स्पून का यूज करेंगे, कभी भी हाथ का यूज नहीं करेंगे, कभी भी ब्रश का यूज नहीं करेंगे, अपने काम को हमेशा सफाई से करना है, हमेशा सफाई से। क्योंकि एक ही ये डिब्बी है ना, एक ही डिब्बी कम से कम 5 से 10 लोगों के लगेगी ये डिब्बी, तो किसी की स्किन कैसी है, किसी की स्किन कैसी है, हमेशा सफाई का ध्यान रखना है। इसमें से हम खुद भी यूज करेंगे, अपने लिए भी यूज करेंगे हम, है ना, तो हमेशा सफाई का ध्यान रखना है। कस्टमर के कभी भी जल्दबाजी में ना उल्टा सीधा नहीं काम करना, हमेशा साफ सफाई से काम करना है। तो थोड़ा सा और लेके अब जब मैं कर ही रही हूँ तो फिर मैंने गर्दन पर भी कर लिया, ताकि अब देखो जैसे लगा रही हूँ ना तो ये निकाल लो ये सब, अगर मेरा फेस पे होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अगर यहाँ पर है तो हल्का सा रोज वाटर मिला भी लो चाहे नहीं भी मिला, और यहाँ पे इस तरह से फैला लो इसको। ये नेक पे अगर कोई फ्रंट पे करा रहा है तो इतना करना है बस, ठीक है, जितना मैंने अभी घुमाया है ब्रश को, बस ये होगा नेक, हाँ बस।
हाँ, इससे इससे बहुत ज्यादा इधर नहीं उधर नहीं, बस इतना। ठीक है, अब हम इसको 10 से 15 मिनट लगा रहने देंगे। मैं तो खैर अभी जल्दी हटा दूंगी आपको समझाने के लिए, पर 10 मिनट, 10 मिनट तो